चलिए अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। अगली खबर उत्तराखंड से ही। उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए गए हैं। देहरादून में अगर आज की बात करें, आज पेट्रोल 95 रूपए 80 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, डीजल 90 रूपए 33 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं हरिद्वार में अगर बात की जाए तो पेट्रोल के दाम 94 रूपए 46 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं, डीजल के दाम 89 रूपए 57 पैसे प्रति लीटर है। तो हरिद्वार में आज पेट्रोल और डीजल के दाम में 6 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम 94 रूपए 46 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 89 रूपए 57 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। वहीं कुमाऊं की बात अगर की जाए तो हल्द्वानी में पेट्रोल और डीजल के दाम यथावत बने हुए हैं। हल्द्वानी में पेट्रोल 94 रूपए 44 पैसे और डीजल 89 रूपए 58 पैसे बिक रहा है। उधर रुद्रपुर की अगर बात की जाए तो पेट्रोल 94 रूपए 65 पैसे और डीजल 89 रूपए 75 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। रुद्रपुर में आज पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। राज्य स्तर पर लगने वाले टैक्स के कारण विभिन्न राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अलग अलग होती हैं। हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। पिछले कई दिनों से प्रदेश में तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और इसी के तहत जो है पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है दामों में। ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और अगर हम बात करें प्रदेश की जनता की, जिस प्रकार से फ्लक्चुएट हो रहे हैं दाम, उसको लेकर प्रदेश की जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको मिल पाई है? जी देखिए पूनम, अगर बात करें यहाँ पे एक और जो महंगाई की मार जिसको बोलते हैं, पहले जो महंगाई से त्रस्त आम आदमी है उसके जनजीवन पे जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत पे चर्ची बढ़ती रहती है उससे आम जनजीवन पे खासा असर पड़ता है। खास करके अगर बात करें रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें कहीं ना कहीं इसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जो है उसका रेट बढ़ जाते हैं और जितनी भी साग सब्जी दालें वगैरह सब आती है वो तमाम चीजों पे जो है उस पर जो है अतिरिक्त भार जो है किराया वसूलने की बात यहाँ पे जरूर की जाती है। और जिस तरीके की अगर बात करें यहाँ पे पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं और लगातार इसको लेके पहले भी राजनीति होती रही है। अभी पिछले दिनों जो है वो सीएनजी के भी रेट बढ़ गए थे तो जिसको लेके जो है यहाँ पे जो किराया था वो बढ़ गया, तो तमाम चीजों को लेके। परंतु अब जिस तरीके की बात कही जा रही है ये क्योंकि ये राज्य सरकार के हाथ में भी होता है कि किराया उस जो वैट है और या एक्साइज है उसको अपने राज्य सरकार कम बढ़ती कर सकती है, तो तमाम चीजों को लेके। परंतु अभी जिस तरीके से अभी आया है अब इस पर राजनीति जरूर होगी क्योंकि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इस मामले को लपकने के लिए तैयार बैठा है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कहा कि आपने विपक्ष इस मामले को लपकने के लिए तैयार बैठा है और अगर हम आने वाले दिनों की बात की जाए, जिस प्रकार से प्रतिदिन पर डे यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रहे हैं दाम, तो क्या आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि और भी दाम बढ़ेंगे और जनता को एक बार फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी? देखिए पूनम, ये जरूर बात है, ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि जिस तरीके से, क्योंकि अगर कोई चीज एक बार अगर बढ़ जाती है चाहे भले ही वो बाद में घट भी जाती है तो जो व्यापारी लोग होते हैं उस चीज के दाम वो कभी कम नहीं करते, चाहे सरकार है या कोई भी है। हालांकि जो बात की जाती है सरकार के ऊपर पहले भी आरोप लग चुका था कि 10 रुपए बढ़ाते हैं और 6 रुपए घटा देते हैं, 10 रुपए बढ़ाते हैं 6 रुपए, तो इस तरीके की जो बातें हैं हमारी लगातार चलती रही थी और जो आम जनजीवन है वो अब लगता है कहीं ना कहीं इस बात का आदि भी हो गया है। और परंतु एक जो अपना माथा पकड़ने के अलावा उसके पास कोई अर्गुमेंट नहीं बचता है। परंतु जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर होता रहा है, हमलावर की बात यहाँ पे उनकी बात जायज भी है। उनका कहना था कि लगातार जिस तरीके से पहले ही जो है यहाँ पे आम जनजीवन महंगाई को जो है यहाँ पे त्रस्त है और अब जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की बात है वो कहीं ना कहीं जो है आम गृहिणी पे भी इसका असर पड़ता है। जी जी शुक्रिया अवनीश, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जनता पे कह सकते हैं कि एक तो त्योहार का समय है और ऐसे में जो है काफी सारी चीजों से जनता जूझ रही है और ऐसे में बार बार महंगाई की मार जो है जनता पर पड़ रही है और एक बार फिर जिस प्रकार से जो है पेट्रोल डीजल के दाम कहीं कहीं बढ़े हैं लेकिन कहीं कहीं स्थिर बने हुए हैं, लेकिन कमी कहीं नहीं देखी जा रही है। और अगर इसी प्रकार से दाम बढ़ते हैं तो विपक्ष को भी लगातार मौका मिल रहा है सत्ता पक्ष पर हावी होने का और विपक्ष अच्छे से इस मौके को लपक भी रहा है।